नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1009 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक की स्पीड की ज़रूरत है तो आप वीडियो देखते समय ही, यानी यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक, पैरा या दो शब्दों के बीच में जो डैश होता है उसको हमने काउंट यहां पर नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की जरूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लद्दाख और उत्तराखंड से लगे सीमाई इलाकों में चीन की बढ़ती हरकतें चिंता पैदा करने वाली हैं। विराम। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए जाने की खबरें हैं। विराम। चीन जिस तरह से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, कॉमा, उससे लगता है कि वह एक और विवाद खड़ा करने की साजिश रच रहा है। विराम। पिछले दिनों उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के रहने के लिए बड़ी संख्या में तंबू भी तान डाले। विराम। चिंता ज्यादा इसलिए भी है कि चीन हमेशा इसी तरह से हमले और कब्जे की रणनीति अपनाता रहा है। विराम। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली गंभीर घटना यह है कि पिछले महीने की 30 तारीख को 100 चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में घुस आए थे। विराम। ये जवान 3 घंटे तक वहां रहे और जाते जाते नदी पर बनी एक छोटी पुलिया तोड़ गए। विराम। ये घटनाएं चीन की मंशा को उजागर करने के लिए काफी हैं। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की तनावपूर्ण गतिविधियों से चीन भारत को उकसाना चाह रहा है। विराम। उसे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़े हों। विराम। पैरा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और बाड़ागोती की घटनाएं पिछले साल गलवान घाटी हमले की याद ताजा कराने से कम नहीं है। विराम। गलवान घाटी में चीन ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। विराम। हालांकि गलवान में भी घुसपैठ काफी पहले से चल रही थी। विराम। इसलिए अब चीन की किसी भी गतिविधि को खास तौर से सीमाई इलाकों में मामूली मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विराम। कहने को गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विराम। चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात कर लिया है। विराम। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने अपने सीमाई इलाकों में सड़कों से लेकर दूसरी सुविधाएं भी तेजी से विकसित कर ली हैं। विराम। पर सवाल इस बात का है कि जब पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है तो फिर ऐसे नाजुक दौर में
चीन सीमाई इलाकों में तनाव और उकसावे के काम क्यों कर रहा है? विराम, बाराहोती में भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक जिस आसानी से घुस आए, कॉमा, वह कम गंभीर बात नहीं है। विराम, पैरा, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा कर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विराम, हाल के महीनों में अमेरिका, कॉमा, ऑस्ट्रेलिया, कॉमा, जापान और भारत के चौगुटे की सक्रियता से चीन के माथे पर परेशानी साफ झलक रही है। विराम, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर क्वाड में भारत की बढ़ती भूमिका से भी चीन हिला हुआ है। विराम, इसलिए भारतीय इलाकों में घुसपैठ और हमले करके वह भारत को धमका रहा है। विराम, चीन को समझना चाहिए कि यह वक्त विवाद बढ़ाने का नहीं, बल्कि लंबित मुद्दों को शांति के साथ निपटाने का है। विराम, गलवान घाटी मसले पर अब तक हुई वार्ताओं में बनी सहमतियों के अनुरूप काम करने की जरूरत है। विराम, सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के बजाय चीन का जोर और प्राथमिकता विवादित स्थलों से अपने सैनिकों को हटाने पर होना चाहिए। विराम, लेकिन जानबूझकर वह जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, कॉमा, वह टकराव को और बढ़ाने वाला ही साबित होगा। विराम, पैरा, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वह अपराध को खत्म करने के प्रति वचनबद्ध है। विराम, इसलिए उसने पुलिस को कुछ मुक्त हस्त भी कर रखा है। विराम, मगर स्थिति यह है कि वहां अपराध तो मिटता दिख नहीं रहा, कॉमा, पुलिस अलग से अपराध करती दिखने लगी है। विराम, इसी का ताजा उदाहरण है कि गोरखपुर में 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा। विराम, हुआ यों कि 2 दिन पहले गोरखपुर के एक होटल में जांच के लिए पुलिस पहुंची और वहां ठहरे कानपुर से आए एक व्यवसायी से मारपीट शुरू कर दी। विराम, उसमें उस व्यवसायी की मौत हो गई। विराम, पुलिस का कहना है कि वह व्यवसायी नशे में था और पूछताछ के दौरान गिर पड़ा, कॉमा, जिससे सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। विराम, इस घटना ने तूल पकड़ा तो आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया, कॉमा, व्यवसायी की पत्नी से फोन पर बात की और इस मामले से जुड़े 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। विराम, पैरा, इस मामले में जिस तरह प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई, कॉमा, उससे निसंदेह एक अच्छा संदेश जाता है। विराम, मगर इससे प्रदेश पुलिस का चेहरा बदलने का दावा करना मुश्किल है। विराम, करीब 2 साल पहले भी इसी तरह लखनऊ में पुलिस ने अपराधी होने के शक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी को गोली मार दी थी। विराम, तब भी उसकी पत्नी से मुख्यमंत्री को इसी तरह माफी मांगनी पड़ी थी। विराम, मगर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, कॉमा, जिनमें पुलिस किसी को भी बेरहमी से पीटती नजर आती है। विराम, हाथरस की बलात्कार पीड़िता लड़की की मौत के बाद उसकी लाश को चोरी छिपे रात के अंधेरे में जला देने की घटना का कलंक तो अब तक उसके माथे से नहीं मिटा है। विराम, उसके पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अपराधियों से गठजोड़ के किस्से तो अनेक हैं। विराम, आए दिन ऐसी घटनाओं को लेकर
उत्तर प्रदेश की निंदा होती रहती है, कॉमा, मगर वह शायद अपने कामकाज के तरीके में बदलाव को तैयार ही नहीं जान पड़ती, विराम, ऐसा नहीं माना जा सकता कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को इस बात का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता होगा कि आपराधिक मामलों से कैसे निपटा जाता है, विराम, पुलिस इस बात से भी अनजान नहीं कि अगर किसी पर अपराधी होने का शक है, कॉमा, तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, विराम, पैरा, अपराध रोकना बेशक पुलिस की जिम्मेदारी है, कॉमा, मगर इससे उसे यह अधिकार कतई नहीं मिल जाता कि वह किसी के साथ इस तरह मारपीट करे कि उसकी जान ही चली जाए या वह जीवन भर के लिए अपंग हो जाए, विराम, गोरखपुर के होटल में ठहरे जिस व्यवसायी पर उसे अपराधी होने का शक था, कॉमा, वह उसे सामान्य ढंग से गिरफ्तार कर थाने ला सकती थी, विराम, स्टॉप।